हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ, सब्जेक्ट होगा हमारा मैथमेटिक्स, और ये वर्कशीट है हमारा असेसमेंट वर्कशीट, जो कि वर्कशीट नंबर 14 है, और ये 9 फरवरी 2022 के लिए है। तो इस वर्कशीट में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। जो टोटल वर्कशीट होने वाला है वो हमारा 20 मार्क्स का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और 2 एंड 3 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के, और 4 to 6 क्वेश्चन 4 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एफ एंड सी एफ टू फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियम फाइंड करने के लिए एल एफ और सी एफ का वैल्यू निकालना है इसके लिए। ठीक है, तो अभी देख लीजिए, आगे चलेंगे तो सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे, इनका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स का, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी पी। यहाँ पे जो पी है इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसमें फोर्थ क्वेश्चन ये दिया गया है ना, इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड से हमको मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें मीन फाइंड करेंगे। इसके आगे जो फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें भी हमको मीन फाइंड करना है ना। 50 वर्कर्स हैं फैक्ट्री के, तो इसको भी देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे चलेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स का है, 4 to 6, मतलब फोर्थ क्वेश्चन टू सिक्स्थ क्वेश्चन से लेकर, मतलब ये 4-4 मार्क्स के हैं। ठीक ना, तो सिक्स्थ क्वेश्चन ये दिया गया है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर जो द मीन नंबर ऑफ कार्स फाउंड 56.85, हमको मीन दे दिया गया है, तो हमको यहाँ पर जो एम है इसका वैल्यू निकालना है, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू क्या होगा, एंड हाउ मेनी कार्स क्रॉस दैट प्लेस इन 2 आवर्स, ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर इन 6 क्वेश्चंस को देख लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इनका सलूशन क्या होगा और इनको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एफ एंड सी एफ टू फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिया गया है ना, ये यहाँ पर इतना चीज़, और हमको मीडियन फाइंड करने के लिए एल का वैल्यू निकालना है, एफ का वैल्यू निकालना है यानी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो हमको दिया ही गया है, ये पूरा चीज़ है ना ये, और सी एफ यानी हमारा सी एफ यानी संचयी बारंबारता जो होता है वो फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या होगा, जब हम लोग सी एफ निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, फिर 6 को 3 से ऐड करेंगे तो 9, 9 को 12 से ऐड करेंगे 21, 21 को 11 से ऐड करेंगे तो 32, 32 को 8 से ऐड कर देंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक ना, तो ये हो गया हमारा सी एफ निकला है। इसके बाद अब हमको एल निकालना है, तो एल के लिए क्या चाहिए, हमको मीडियन क्लास चाहिए, तो मीडियन क्लास हम लोग बीच वाला लेते हैं, तो बीच में यही है, तो ये इसी को हमने मीडियन क्लास ले लिया। ठीक है, अब मीडियन क्लास में जो हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 14 से 20 यानी 14 to 20, तो इसका लोअर लिमिट एल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 1 में पूछा था। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फिल इन द ब्लैंक्स है ना, यहाँ पे देख सकते हैं ये खाली स्थान है यानी ये ब्लैंक दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे भरना है और ये पूरा फार्मूला दिया गया है, तो आप लोग को पता ही होगा कि ये किसका फार्मूला होता है, तो ये होता है अपना मॉड का फार्मूला। ठीक है, किसका फार्मूला होता है, मॉड का फार्मूला होता है, ये पूरा समझ में आया। फिर इसके बाद ये भी खाली स्थान दिया है कि ये सब चीज़ें क्या होंगी, तो F0 जो होता है वो फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी जो हमारा मॉडल क्लास है उससे पहले वाले क्लास की फ्रिक्वेंसी होती है F0, और F1 जो होती है वो मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, बस यही दो चीज़ें इसमें पूछा था। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पहले सॉल्व कर दिया गया है, तो आगे चलते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक ना, थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर ये है फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी पी इफ मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 32। ठीक है, तो मीडियन हमको दे दिया गया है 32, और यहाँ पे हमको फाइंड करना है जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी पी है उसकी वैल्यू। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी पी है इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो चलिए देखिए कैसे निकालेंगे, मीडियन हमको दिया गया है 32 है, तो सबसे पहले हम लोग सी एफ निकाल लेंगे, तो सी एफ हमारा ये आ जाएगा है ना, ऐड करते जाएंगे 10 को, फिर 19, फिर 19 प्लस पी, फिर 19 को 25 से ऐड कर देंगे तो 44 प्लस पी, फिर 60, फिर 70 बाई पी आ जाएगा, 70 प्लस पी। ठीक है, सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी एन, एन का वैल्यू हो गया 70 प्लस पी।
अब आगे चलते हैं, मीडियन क्लास ढूंढते हैं। तो मीडियन क्लास कौन सा होगा, देखिए मीडियन हमको दिया गया है यहाँ पर 32, ठीक है। तो ये जो 32 है ये किसी एक क्लास के अंदर होगा, तो क्लास के अंदर जो 32 है वो किस क्लास के अंदर होना चाहिए, 32 40, इसी के बीच में होगा हमारा 32, यानी 32 40 हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास हो गया 32 40। लोअर लिमिट 30, F1 हमारा 25, यहाँ पर देख सकते हैं CF0 ये वाला हो जाएगा, मतलब इसके जस्ट ऊपर वाला, और H हमारा 10 हो जाएगा, यानी 40 माइनस 30, N/2, N कितना है 70 प्लस P, तो इसको डिवाइड कर दिए 2 से, तो 35 प्लस P/2 आ गया। अब हमको मीडियन का फॉर्मूला लगा देना है, तो मीडियन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे L+N/2 CF0/F1 H, ये होता है, सभी का वैल्यू रख दीजिए। देखिए मीडियन का वैल्यू 32, L का वैल्यू यानी लोअर लिमिट का वैल्यू 30, प्लस N/2 का वैल्यू 35 प्लस P/2, और माइनस CF0 का वैल्यू 19 प्लस P, और डिवाइडेड बाई F1 का वैल्यू 25 H, यानी 10, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करिए, यहाँ पर इस 30 को इधर ले आए तो 32 माइनस 30 यानी 2 हो गया, और यहाँ पे जो 25 है इसको इधर ले आए तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक ना। बचा क्या इधर, 35 प्लस P/2 माइनस 19 माइनस P और इनटू में 10। अब ये 10 जो है देख सकते हैं कि उधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 50 आया, 50/10 हो गया, और इक्वल टू में ये आ गया, यानी 35 माइनस 19 करेंगे तो 16, और P/2 माइनस P आ गया, ठीक है। इसके आगे यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 16 प्लस, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो P-2P/2 हो गया, यानी P-2P कितना होगा -P/2 हो जाएगा, तो हो गया 5 प्लस 16 और -P/2, -P/2 को इधर ले आए तो P/2, और ये हो गया 16 माइनस 5, यानी हमारा जो P का वैल्यू हो जाएगा वो 2 × 11, यानी यहाँ पे 22 होगा, यहाँ पे सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, 11 नहीं होगा 22 होगा, है ना, यानी P का वैल्यू आ गया हमारे पास 22, ठीक है। यही हमको फाइंड करना था P का वैल्यू। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, थर्ड हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, देखिए ये है द डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेस एंड स्कूल्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज रिकॉर्डेड एंड प्रेजेंटेड इन फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मेन डिस्टेंस बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड से हमको मीन फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमको ये दोनों चीज़ें दी गई हैं, है ना, ये इतना चीज़ दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है और डिस्टेंस दिया है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, हमारा क्लास जो हमारा ये है एक्स आई निकालेंगे, तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों को डिवाइड करके, इन दोनों को जोड़ के यानी ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर तो 10 आ गया, यानी 0 प्लस 20 20/2 यानी 10 हो गया, फिर यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए 30 हो गया, यानी 20 20 ऐड करते जाइए, तो इसमें 20 ऐड किए तो 50, इसमें 20 ऐड किए तो 70, इसमें 20 ऐड किए तो 90 हो गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पर एक मीन एज्यूम करना है, तो मीन हम लोग किसको एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लगभग बीच वाले को मीन एज्यूम कर लेते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर 50 जो है इसको हमने मीन एक एज्यूम कर लिया खुद से, ठीक ना। तो एज्यूम्ड मीन हमारा क्या हो गया, A=50 हो गया। अब हमको डेविएशन निकालना है, यानी डी आई निकालना है, तो डी आई इक्वल टू होता है XI - A, ए हमारा 50 है, तो 10 - 50 किए तो -40, 30 - 50 किए तो -20, फिर 50 - 50 किए तो 0, फिर 70 - 50 किए तो 20, 90 - 50 किए तो 40 आ गया, इतना समझ में आ गया। अब हमको FI × DI निकालना है, समझ में आया ना, FI × DI, तो FI यहाँ पर है, DI यहाँ पर है, 6 और -40 का गुणा किया तो -240, फिर 11 - 20 ये हो गया इतना, फिर 70 × 0 0, 12 × 20 ये हो गया 240, फिर 4 × 40 160 हो गया। इन सभी को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पर +240 और -240 कट गया, यानी 0 हो गया, यहाँ पे -220 है, यहाँ पे +160 है, तो 160 - 220 कितना होगा -60 आ जाएगा, यानी सिग्मा एफ आई डी आई हमारा -60 आ गया, वहीं पर सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा 50 हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हमने एज्यूम्ड मीन क्या माना है, A=50 माना है, वैल्यू रख देते हैं जो हमारा मीन होता है उसके फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होता है एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए, A+ σFIDI / FI, A का वैल्यू 50,
और ये हो जाएगा माइनस 60/50। 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 50 - 6/5 यानी 50 - 1/2 1.2। तो कितना आ गया हमारा 48.8। समझ में आ गया। हैंस मेन डिस्टेंस विल बी 48.8 हो जाएगा। तो समझ में आ गया हो आप लोग को अच्छे से। यहाँ पर हम निकाल लिए जो हमारा मेन डिस्टेंस था उसको एज्यूम्ड मेन मेथड से। अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा नीचे है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। फाइंड द मीन एंड मोड बाई कैलकुलेशन एंड हैंस फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमको क्या करना है, मीडियन भी निकालना है, मॉड भी निकालना है और उसके बाद हमको मीन निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये डाटा दिया गया है हमको, है ना, यहाँ से ये पूरा दिया गया है। उसके बाद हमको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। सबसे पहले हम लोग मीडियन की बात करते हैं। तो मीडियन के लिए सीएफ निकालना पड़ेगा। तो सीएफ हमारा ये है, यानी 12 प्लस यहाँ पर इसको ऐड कर दीजिए 26, इसको ऐड किए तो 34, इसको ऐड किए तो 40, इसको ऐड किए तो 50 हो गया। यानी हमारा जो सिग्मा एफ आई आ जाएगा कितना आ जाएगा 50। इन सबको ऐड कर देंगे तो 50 के इक्वल, यानी यही क्या होता है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है, यानी एन। अब मीडियन क्लास की बात करते हैं। तो मीडियन क्लास कौन सा होगा, बीच वाला होता है। तो मीडियन क्लास हमने इसको ले लिया, ठीक है। तो मीडियन क्लास हो गया हमारा 242 260। लोअर लिमिट 240। F1 क्या है, यहाँ पर 8 है। CF0 क्या है 26, इसके जस्ट पहले वाला। H बराबर क्या हो जाएगा 20, यानी 260 - 240 20 हो गया। N/2 का वैल्यू 25। आगे चलते हैं। अब हमको मीडियन का जो फार्मूला आता है उसमें सभी वैल्यूज रख देने हैं। तो देखिए मीडियन का जो फार्मूला होता है वो क्या आता है, मीडियन इक्वल टू एल प्लस N/2 - CF0/F1 × H। एल का वैल्यू 240, फिर यहाँ पे N/2 का वैल्यू 25 माइनस CF0 का वैल्यू 26 हो गया, डिवाइडेड बाय F1 का वैल्यू है 8 इंटू हमारा जो H है उसका वैल्यू 20। तो 8 को 4 से काटिए तो 2 आएगा और 20 को 4 से काट दीजिए तो 5 आ जाएगा, यानी 5/2 हो गया। आगे चलते हैं। ये हो गया कितना 240 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 25 - 26 करेंगे तो -1 और ये 5/2 हो गया। यहाँ पर 240 और ये हो जाएगा 5/2 को 2.5 और ये माइनस हो गया, यानी घटा दिए तो कितना आ गया 237.5 रुपए। ठीक है, मीडियन हमारा आ गया। अब हमको मॉड निकालना है, तो उसके लिए मॉडल क्लास चाहिए। तो मॉडल क्लास क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक, यहाँ पर देख सकते हैं किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, तो यहाँ पर 14 जो है ये फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है। इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में ये होगा लोअर लिमिट 220 और यहाँ पर 14 जो होगा F1 होगा। तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर मॉडल क्लास हो गया कितना 220 से 240। तो L का वैल्यू लोअर लिमिट 220, F1 14, आगे ऊपर टेबल में देख सकते हैं आप लोग, है ना। और F0 क्या होता है, उसके जस्ट पहले का वैल्यू, यानी ये वाला। यहाँ पर हमारा मॉडल क्लास ये था, इसके जस्ट पहले 12 है। और F2 क्या होता है, इसके जस्ट बाद वाला, यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो गया। चलिए और H का वैल्यू कितना हो जाएगा, 240 - 220 यानी 20 आ गया। अब मॉड का फार्मूला क्या होता है, L प्लस F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × H। ये होता है हमारा मॉड का फार्मूला। सभी वैल्यूज रख दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा 220 + 14 - 12 / 2 × 14 - 12 × -8, ठीक है, × 20। अब यहाँ से देखिए इसको क्या किए हैं, यहाँ पर मॉड इक्वल टू ये हो जाएगा 220 और 14 - 12 × 2 × 20 ये वाला, और 28 - 20 हो गया ये। तो यहाँ पर 220 प्लस ये हो जाएगा 2 × 20 / 28 - 20 कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और इसको काट दिए तो कितना आ गया, 5 आ गया। अब आगे देखिए 220 + 5 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, यानी मॉड कितना आ गया हमारा, 225 आ गया। अब देखिए आगे क्या बोला है कि हमने मीडियन और मॉड तो निकाल लिया, अब हमको मीन निकालना है। तो आप लोग रिलेशन पढ़े होंगे तीनों में, मीडियन में, मॉड में और मीन में क्या रिलेशन होता है। तो मॉड इक्वल टू होता है 3 × median - 2 × mean। तो 2 × mean बराबर क्या हो जाएगा, 3 × median, और ये मॉड उधर जाएगा तो माइनस मॉड हो जाएगा। तो 3 × median हमारा कितना है, 237.5 हमने अभी अभी निकाला है, और मॉड हमने निकाला है 225, यहाँ पर देख सकते हैं।
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके घटा दिए तो आ गया हमारा 487.5, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा तो आ जाएगा हमारा 243.75, यानी मीन हमारा आ गया कितना 243.75। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। इसमें तीन चीज़ें निकालने के लिए बोला था, मॉड, मीडियन एंड मीन। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो फिफ्थ था, फिफ्थ क्वेश्चन ये भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर अपने, जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, है ना। यहाँ पर देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑब्जर्व द कार्स क्रॉसिंग ए पर्टिकुलर प्लेस एवरी 15 मिनट फॉर 2 आवर्स टू डिटरमाइन द कंजेशन लेवल ऑफ द रोड एंड कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ कार्स क्रॉसिंग दैट प्लेस। द मीन नंबर ऑफ कार्स इज फाउंड टू बी 56.85। मीन नंबर ऑफ कार्स कितना है, 56.85 है। ये सारी चीज़ें हमको दी गई है ना, यहाँ पर ये पूरा इतना डाटा दिया गया है। यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, यानी एक नंबर ऑफ कार्स मिसिंग है, ठीक ना, एम, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। मीन हमको दिया है कितना, 56.85। इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई, और दूसरा है हाउ मेनी कार्स क्रॉस्ड दैट प्लेस इन 2 आवर्स, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्स हमको निकालने। चलिए देखिए इसको, तो सबसे पहले हमको एक्स आई निकालना है, तो एक्स आई कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, यानी 7.5। ऐसे ही सभी का हम लोग कर लिए तो ये आ गया, यानी हर एक को ऐड करके, हर एक क्लास इंटरवल को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा इतना। ठीक है, इसके बाद एफ आई एक्स आई निकालना है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो कर दिए यहाँ पे 7.5 × n, इन दोनों को मल्टीप्लाई इतना, 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 और यहाँ पर 15 × 105 का मल्टीप्लाई 1575 आ गया। अब हमको क्या करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है, तो ऐड कर दीजिए सभी को, यहाँ पर जितने भी हैं इन सभी को ऐड कर दिया हमने, तो ऐड करने के पश्चात कितना आया, यहाँ पर 5580 प्लस 7.5 × m आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी सबको ऐड करने पर 91 प्लस m आ जाएगा। अब मीन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन का हमारा वैल्यू दिया है 56.85, सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे और सिग्मा एफ आई का वैल्यू यहाँ से, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, इस चीज़ को यहाँ पर, तो इतना हो गया और इक्वल टू ये बचा, और इसको दोनों को अंदर मल्टीप्लाई किया तो इतना हो गया और इक्वल टू में ये, यानी यहाँ पर एम एम वाले जो भी टर्म है उनको एक साइड ले लीजिए, यानी 56.85 m और 7.5 m, ये इधर आएगा लेफ्ट साइड में, और इसको ऐसे लिख दीजिए, मतलब ये वाला इधर चला जाएगा। ठीक है, चलिए घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए तो 49.35 × m आ जाएगा, और इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 406.65। ठीक है, तो m का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर, इसको डिवाइड कर देंगे यानी 8.24 आ जाएगा, m का वैल्यू हमारा आ गया 8.24। ठीक है, अब हमको निकालना है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई देखिए यहाँ पर कितना था, 5580 प्लस 7.5 m। ठीक है, तो m का वैल्यू रखना है बस हमको, तो ये हो जाएगा इतना, यानी m का वैल्यू हमने 8.24 रख दिया, तो इनको सबको करने के बाद हमारा आया कितना, 56.4 है ना, ये इतना 0.8 आ गया। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू ये हो गया पहला आंसर। दूसरा आंसर देखिए, यहाँ पर हमको क्या करना है, नंबर ऑफ कार्स क्रॉस दैट प्लेस इन 2 आवर्स निकालना है, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्स निकालने हैं, तो सिग्मा एफ आई इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 91 प्लस m, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर, है ना, ये वाला चीज़, ठीक ना, m का वैल्यू रख दीजिए तो हो जाएगा कितना, 91 प्लस 8.24 यानी 99.24। ये हमारा वर्कशीट कंप्लीट हुआ, वर्कशीट नंबर 14 था हमारा, असेसमेंट वर्कशीट था, जिसमें हमने जो 6 क्वेश्चन थे उसको हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया, और यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ हमने इन सभी प्रश्नों को सॉल्व किया, क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो चलिए फिर, कंप्लीट हुआ हमारा वर्कशीट, मिलेंगे अपने अगले वर्कशीट के साथ अगले वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलेंगे अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।